नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी। 23 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट हेड्स के अंदर मैं न्यूज़ लेके आया हूँ, और आप ये मत सोचिए कि ये केवल 6 न्यूज़ेस हैं। फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो तरीके से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि वोटर हेल्पलाइन को स्ट्रेंगन किया हुआ है इलेक्शन कमीशन। ऑब्वियसली बात है, इलेक्शंस आ रहे हैं, 2019 के जनरल इलेक्शंस, तो इस समय पे जो वोट डालने वाले लोग हैं उनको सुविधा हो सके, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके, तो उसके लिए ये वोटिंग लाइन को स्ट्रेंगन किया गया। किस तरीके से किया गया इसके बारे में बात करेंगे। फिर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिए जा रहे हैं अभी, ठीक है? क्यों, कौन दे रहा है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर दे रहा है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी छोटे मोटे रिलीजेस हुए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहले भी मैंने बताया था, पिछले 1-2 दिन की करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं, और आज कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होने वाला है मार्च में। पहले 2 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो चुके हैं 17-18 में, ये 19 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम लाया जा रहा है, ठीक है? BSES के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेगा। कौन करेगा? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये देखेंगे। फिर अभी करंटली इन द स्पॉटेड ट्रीटी के व्हाट यूटिलाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंडिया में स्टेप्स लिए गए हैं इनके बारे में बात की जा रही है। देखिए, अभी रिसेंटली बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया पानी के फ्लो को पाकिस्तान में कम करेगा। तो फिलहाल वहां पे जाने से पहले हमको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि करंटली उसका इंप्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है हमारी ईस्टर्न रिवर्स का, तो वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। पहले इस पर मैंने इंडस वाटर ट्रीटी पे एक अपनी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, बहुत पहले बना के डाली थी, 5-6 महीने हो गए हैं, टाइम मिले तो उसको जाके ज़रूर देखें, ठीक है? अब देखिए फ्रेंड्स, वोटर हेल्पलाइन को स्ट्रेंगन किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि देखिए, वोटर्स को आसानी हो, उनका वोटर रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाए, ठीक है, इसके लिए वोटर हेल्पलाइन को स्ट्रेंगन किया जाएगा। और जो हेल्पलाइन नंबर है ना 1950, उसके थ्रू जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको रिफर्बिश किया जाएगा, उनको और एक्सेसिबल बनाया जाएगा। तो अब होगा ये कि इलेक्टोरल रोल में जो भी एनरोल्ड इलेक्टर्स हैं जो कि एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए, वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि कौन से पोलिंग स्टेशन उनको अलॉट किया गया है अपना वोट डालने के लिए। फिर वहाँ पे इनको ये भी जानकारी दी जाएगी कि कौन से बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उस पोलिंग स्टेशन में जो उस पोलिंग स्टेशन की वोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो उन बूथ लेवल ऑफिसर्स का, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस का, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स का नंबर भी दिया होगा, उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू, या फिर आप www.nvsp.in पोर्टल पे जाके, या फिर 1950 हेल्पलाइन नंबर पे जाके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने पर्सनल डिटेल्स को देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि आपको कौन सा पोलिंग स्टेशन अलॉट किया गया है। और SMS के थ्रू भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। SMS के थ्रू जो करने का तरीका है वो PIB पे बहुत प्रॉपर तरीके से दे रखा है, PIB पे जाके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो। अब ये सब किया क्यों जा रहा है? ये सब ये इसलिए किया जा रहा है कि फ्रेंड्स, ये जो EPIC कार्ड होता है, EPIC मतलब वोटर आईडी कार्ड जो होता है आपका, उसका होना ही केवल आपको इलेक्शन में वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कभी आपने वोट डाला होगा इलेक्शन में, तो जब आप वहाँ पर जाएंगे ना, तो आपका कार्ड तो वो देखेगा ही देखेगा, उसके साथ साथ उसके पास एक बड़ा सा चिट्ठा होगा इलेक्टोरल रोल का, वो उस चिट्ठे को निकालेगा और उसमें आपका नाम ढूंढेगा। फिर अगर आपका नाम जहां पे मिल जाएगा वो उस पर्ची को फाड़ेगा, ठीक है ना, उस पर्ची पे टिक मार्क करेगा और आपका कार्ड देख के फिर आपको परमिशन देगा कि आप अंदर जाके अपना वोट डालिए, और पर्ची पे टिक क्रॉस करके वो अपने पास रख लेगा। तो वो पर्ची भी एक तरीके से काउंटिंग में काम आती है कि भाई कितने लोगों ने वोट डाले। तो सिर्फ अगर आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड है और अगर वहां पे इलेक्टोरल रोल में उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पता चला कि आप पोलिंग बूथ पहुंचे और आपके वोटर आईडी कार्ड तो मान लीजिए है आपके पास, पर वहां के इलेक्टोरल रोल में अगर आपका नाम नहीं आया तो फिर आप वोट नहीं डाल पाओगे। इसीलिए ये सारी सर्विसेज की जा रही है 1950 हेल्पलाइन नंबर, जिसके थ्रू आप जाके ये देख सकते हैं कि क्या आपका इलेक्टोरल रोल में नाम है, और अगर नाम नहीं है तो फिर उसके लिए फ्रेंड्स आप एक फॉर्म 6 सबमिट कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, या फिर रिस्पेक्टिव ERO ऑफिस में जाके, या फिर www.nvsp.in पे जाके और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं जिससे आप वोट डाल पाएंगे। फिर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रजिस्टर्ड है, जब आप उसे चेक करेंगे, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत है, तो आप फॉर्म 8 को सबमिट करके उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सही कर सकते हैं, ठीक है?
तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप चलाया गया है। नहीं रजिस्टर है तो आप रजिस्टर कर सकते हो फॉर्म 6 के थ्रू। अगर आपको कुछ करेक्शंस करते हो तो फॉर्म 8 के थ्रू कर सकते हो। कुछ एड्रेस चेंज करना है तो एक फॉर्म 8A होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू चलाई गई हैं फ्रेंड्स। और एक बात और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के लिए आपको डायरेक्टली उन ऑफिशियल्स को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। कोई भी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं है इसमें। देखिए बिचौलिए होते हैं ना जो कस्टमर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में काम करते हैं, तो यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली इन सर्विसेज को लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड ऑफिशियल्स के पास जाना पड़ेगा। और उसके लिए आपके पास ऐप है, फिर आप ईआरओ ऑफिस जा सकते हो, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस जा सकते हो, या फिर आप 1950 हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। तो बहुत आसान कर दिया गया है ये आपके लिए। फिर हम अगली न्यूज़ पे आते हैं, वो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। देखिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स को हमारे नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसको देता कौन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स मीटी के अंदर। मीटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्यों दिया जाता है कि अगर ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिशिएटिव्स लिए हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो फिर उस केस में आपको डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिए जाएंगे। ये पांचवें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स हैं। सबसे पहले दिए गए थे 2010 में, फिर 2012 में दिए गए, 14 में दिए गए, 16 में दिए गए, और अब फरवरी 2019 22 फरवरी 2019 को दिए गए। 35 अवार्ड्स इसमें दिए गए हैं फ्रेंड्स। कैटेगरी देख लीजिए अवार्ड्स की। जब आप अवार्ड्स की कैटेगरी देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये है क्या चीज़। देखिए ये दिया गया है आपका वेब रत्ना, जिसको आपको मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पलरी ऑनलाइन सर्विस के लिए आपको दिया गया है। फिर बेस्ट मोबाइल ऐप के लिए दिया गया है। फिर आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है। ओपन डाटा चैंपियन के लिए दिया गया है। फिर वेब रत्ना स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए, और फिर दूसरी कैटेगरी वेब रत्ना डिस्ट्रिक्ट के लिए। फिर आउटस्टैंडिंग डिजिटल इनिशिएटिव बाई लोकल बॉडी के लिए दिया गया है। फिर उसके अलावा दो और अवार्ड्स दिए गए हैं, ज्यूरी चॉइस अवार्ड और स्पेशल मेंशन अवार्ड। अब यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इन ज्यूरी चॉइस अवार्ड और स्पेशल मेंशन अवार्ड को अगर आप हटा देते हो तो उसके अलावा जो भी बाकी अवार्ड्स दिए गए हैं वो तीन कैटेगरी में दिए गए हैं, प्लैटिनम कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पलरी ऑनलाइन सर्विस का जो अवार्ड प्लैटिनम में मिला है वो मिला है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। फिर जो गोल्ड कैटेगरी मिला है वो मिला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE को, और जो सिल्वर कैटेगरी में मिला है उसको मिला है गिफ्ट्स एंड सर्विसेज टैक्स को। तो ये अवार्ड्स एग्जैक्टली किसको किसको दिए गए हैं ये आप PIB की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीजेस में जाके देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजेस है PIB के, ये लगभग 6:30 बजे शाम को आए हैं, कब, 22 फरवरी को। तो इसलिए मैं इस वीडियो को रात में लगभग 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 फरवरी को, तो 23 फरवरी के करंट अफेयर्स में आ गया है। तो 22 फरवरी की PIB रिलीजेस को जाके देखिए, और आपको PIB रिलीजेस देखने भी चाहिए फ्रेंड्स। देखिए हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, अच्छी बात है, पर हिंदू इंडियन एक्सप्रेस जो भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं उसका सोर्स PIB ही है, क्योंकि PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है वो आपको PIB से ही जानने को मिलेगा, और हिंदू इंडियन एक्सप्रेस क्या करते हैं PIB की न्यूज़ को एक्सप्लेन करके आपके सामने रख देते हैं, ठीक है। तो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पे जाने से पहले गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स के बारे में अगर आपको देखना है तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को जरूर पढ़ें, ठीक है। फिर इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स को देने के साथ साथ कुछ 14 अनाउंसमेंट्स और भी किए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, 14 रिलीजेस और भी किए गए हैं। अब इनमें से इन 14 रिलीजेस में से कुछ को मैंने पहले डिस्कस किया है फ्रेंड्स, और कुछ को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए यहां पे डिजिटल इंडिया एक कॉफी टेबल बुक अवार्ड किया है, जिसमें जिसकी थीम है टुवर्ड्स अ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल ड्रीम टू रियलिटी। ये क्या है, ये एक कॉफी टेबल बुक है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई डिजिटल इंडिया की सक्सेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना कॉमन मैन के माइंड में। फिर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स कंपेंडियम, ये क्या है कि देखिए प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर अवार्ड्स कैटेगरी आपको दिए गए, अभी अभी मैंने आपको बताया। फिर ज्यूरी चॉइस अवार्ड दिया गया, स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया। तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे एग्जेम्पलरी डिजिटल इनिशिएटिव्स हुए जिसकी वजह से ये सारे अवार्ड दिए गए वो इस डिजिटल अवार्ड्स कंपेंडियम में दिए हुए होंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स STQC एक्सेसिबिलिटी सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में। ये क्या है फ्रेंड्स कि इसके अंदर होता क्या है कि ये फ्रेमवर्क एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट सिक्योर और सुगम में वेबसाइट्स बनाए। सुगम में मतलब जिनको आसानी से लोग देख सकें समझ सकें, इंक्लूडिंग फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, ठीक है ना। और ये किसके क्लाउड में बनेगी, देखिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का एक क्लाउड है। देखिए NIC के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स चल रही हैं, और आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की
सारी वेबसाइट्स नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के अंदर काम करती हैं, और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर का अपना अलग क्लाउड है, ठीक है ना। तो उस क्लाउड के अंदर ये STQC एक्सेसिबिलिटी सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क लाया जा रहा है, और सारी वेबसाइट्स को सुगम्य बनाने की कोशिश की जा रही है, अफेक्टेड बनाने की कोशिश की जा रही है, और सिक्योर बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक और इनिशिएटिव जो वहाँ पे अनाउंस किया गया है, वो है आपका यूनिफाइड मैसेज प्लेटफॉर्म। अब यूनिफाइड मैसेज प्लेटफॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस को और सिक्योर और एफिशिएंट बनाया जा सके। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, लगभग 50 लाख ऑफिशियल्स को ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ दिए जाएंगी। अब जैसे अगर अभी आपकी जो ईमेल आईडीज़ होगी, तो मान लीजिए कोई सरस नाम का व्यक्ति है तो वो saras@gmail.com बनाएगा। उसी तरीके से जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को और स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट्स को जो ईमेल आईडी दी जाएगी ना, तो फिर वो saras@gov.in बनेगा, या फिर अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल बिहार के लिए काम करते हैं तो बनेगा saras@bih.gov.in, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या, हमको अपना एक डोमेस्टिक ईमेल सर्विसेज मिल जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर होगी, क्योंकि उसका क्लाउड इंडिया में, तो उसकी बाहर से हैकिंग भी नहीं हो सकती। अभी हम लोग क्या है, जीमेल के क्लाउड में अपनी ईमेल आईडीज़ बना रहे हैं, तो जीमेल या फिर गूगल या फिर वहाँ की कोई फेडरल एजेंसी देख सकती है कि हम ईमेल्स में क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से सेफ एंड साउंड नहीं है, खासकर गवर्नमेंट रिलेटेड काम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर पब्लिक डोमेन नेम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, पब्लिक डोमेन नेम सिस्टम बनाना जरूरी है फ्रेंड, चाहे आप चाइना का, अगर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो चाइना ने अपना खुद का एक पूरा इंटरनेट इकोसिस्टम बना रखा है। तो उस तरीके की इंटरनेट इकोसिस्टम को इंडिया में एफिशिएंट लागू करने के लिए पब्लिक DNS सिस्टम जो कि गवर्नमेंट बनाएगी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाएगी, वो बहुत ज़रूरी है। इससे होगा क्या फ्रेंड्स कि एक तो इंडिया के अंदर जितना भी ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा होगा वो तेज़ हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा और सिक्योरिटी प्रूफ हो जाएगा, उसको जल्दी से आसानी से हैक नहीं किया जा सकता है। तो डाटा प्राइवेसी इंडिया के अंदर, क्योंकि जब डाटा इंडिया छोड़ के ही नहीं जाएगा ऑनलाइन, तो फिर वो सिक्योर रहेगा। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स एक साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है। साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान 2019 का क्या है, ये फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी जिससे हम साइबर अटैक्स को काउंटर कर सकें, साइबर टेररिज्म को रोक सकें, और उसको लीडिंग इंप्लीमेंटेशन पार्टनर कौन होगा, इसका सर्ट होगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम IN, सर्ट, और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर ये काम करेगा। और उसके साथ साथ पहले मैंने आपको ये भी बताया था फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें नॉसकॉम वाइजैग होगा, नॉसकॉम गांधीनगर होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का इंक्यूबेटर बनाया जाएगा भुवनेश्वर में, फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाया जाएगा बैंगलोर में, फिर डिजिधन मित्र चैटबॉट बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स स्कीम टाइड 2.0, फिर टेक GOV अवार्ड्स और स्वच्छता अवार्ड्स। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए बोल दिया फ्रेंड्स क्योंकि पहले मैं इन चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये तीसरा एडिशन होने वाला है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का, ठीक है, कब से कब तक होगा, 2 से 3 मार्च 2019 तक होगा, इससे पहले दो और हो चुके हैं। और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स थ्रो करता है सबके सामने, प्राइवेट सेक्टर्स अपनी प्रॉब्लम को लिख के दे देगा सबको कि देखिए भाई हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। फिर जब ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ऑर्गेनाइज होगा ना, तो पूरे देश भर के स्टूडेंट्स और कॉलेजेस और स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशन सामने आएंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बन जाएगा। और ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का होने वाला है मार्च में, ये दुनिया का लार्जेस्ट एवर स्मार्ट इंडिया लार्जेस्ट एवर हैकाथॉन होगा। देखिए, ये हैकाथॉन दुनिया भर की कंट्रीज में चलाए जाते हैं और इसको देखा देखिए इंडिया में भी चलाया गया, पर इंडिया का ये जो 2019 वाला होने वाला है ये सबसे बड़ा हैकाथॉन है। इससे पहले दो हो चुके हैं, 2017 में, 2018 में, और उसमें बहुत ज़बरदस्त इनोवेटिव आइडियाज़ निकले थे बाहर, खासकर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे ना उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ दिए थे। जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 हुआ था वो 36 घंटे का नॉन स्टॉप डिजिटल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम था, 26 लोकेशंस के थ्रू हुआ था। उसके बाद जो 2018 का प्रोग्राम हुआ वो सेकेंड लार्जेस्ट हैकाथॉन इनिशिएटिव था, 27 यूनियन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और 17 स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और 2018 वाला 2017 से बहुत बड़ा था। 2018 वाले में एक सॉफ्टवेयर एडिशन था जो 30 और 31 मार्च 2018 को हुआ था, लगभग 36 घंटे लगातार, और एक हार्डवेयर एडिशन था जो कि आपका 18 जून 2018 को हुआ था। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स थी उसका आंसर भी दिया था स्टूडेंट्स ने, हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स थी उसका भी आंसर दिया था स्टूडेंट्स में। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स क्या हो रहा है,
कि अब जैसे कि इस बार क्या है 2019 में, बहुत प्रेस्टीजियस प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने 500 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सामने रखा है, और इन 500 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए 2 और 3 मार्च को सॉफ्टवेयर एडिशन में लोग बैठेंगे, 1300 टीम पार्टिसिपेट करेंगी और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगी। और आप समझिए कि जब देश के ब्रिलियंट माइंड्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वो प्रॉब्लम्स जो प्राइवेट सेक्टर रियल में फेस कर रहे हैं जब उसका सॉल्यूशन देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इंडिया के बेस्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज़ है फ्रेंड, जिससे हम अपने इनोवेशन को तेज कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ से टैलेंट आउटगोइंग हो रहा है ना, कि इंडिया से लोग छोड़ के बाहर चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए, उसको भी कैच कर पाएगा, रोक पाएगा ये, ताकि हमारा टैलेंट हमारे देश में रह जाए। इनोवेशन को अवॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, मेहनत को अवॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान इनोवेट है उसके अंदर काबिलियत है, और जब उसकी काबिलियत को देखा नहीं जाएगा तो वो इंडिया में क्यों रहेगा। तो ये एक चीज़ इंडिया के टैलेंट को इंडिया में रोकने के लिए बहुत यूज़फुल और बहुत पोटेंट मानी जा रही है। और 2019 बड़ा क्यों है, क्योंकि 2018 में लगभग 17,400 एंट्रीज दी थी 1,00,000 स्टूडेंट्स ने, और इस बार 52,000 से ज़्यादा एंट्रीज आ चुकी हैं 2,00,000 स्टूडेंट्स के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 कितना बड़ा है। फिर एक सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, किसके साथ मिलकर कर रहा है, BSES के एरिया में कर रहा है, BRPL के साथ मिलकर कर रहा है। BRPL क्या है, BSES राजधानी पावर लिमिटेड। देखिए BSES राजधानी पावर लिमिटेड एक बहुत बड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री है दिल्ली की। दिल्ली की आप कह सकते हो कि मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस BRPL के पास ही है। तो ये जो सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स बनाए जाएंगे ना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा, ये कहा जा रहा है कि 40% ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, और उसी रेट पे होंगे जिस रेट पे अभी के 3-स्टार ACs उस पावर रेंज के मिल रहे हैं मार्केट में। तो इनके इम्प्लीमेंटेशन में और इनके यूज़ को बढ़ाने के लिए, चूंकि गर्मियाँ आने वाली हैं फ्रेंड्स, BSES और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने मिलकर एक 12 मंथ का पायलट प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है, जिससे लोकल मार्केटिंग सपोर्ट जो है वो इनको BRPL देगा, यानी BSES राजधानी पावर लिमिटेड देगा, और फिर देखा जाएगा कि कितना एफिशिएंट है। लगभग 25,00,000 कंज्यूमर्स के पास ये सर्विस लेके जाई जाएगी साउथ और वेस्ट दिल्ली में। इसका कितना फ़ायदा होने वाला है वो स्टैट्स तो जब ये पायलट प्रोग्राम ख़त्म होगा तभी हमारे सामने निकल के आएंगे। अब जब बात आ गई एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, 4 PSUs का जॉइंट वेंचर है ये, 4 लोग मिलकर इसको ओन करते हैं। कौन से हैं, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC और फिर पावर ग्रिड। तो ये 4 लोग NTPC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड मिलकर इसको ओन करते हैं। काम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करता है, और काम है कि इंडिया भर में एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना। 10 दिसंबर 2009 को लॉन्च किया गया था। काम क्या है कि भैया देखिए, किसी भी तरीके से कंजम्पशन कॉस्ट को रिड्यूस करना है और इनोवेटिव बिजनेसेस को प्रमोट करना है, और एफिशिएंसी एनर्जी में एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, ये इसका काम है EESL का। और फिर हम लोग फाइनल उस पर आ जाते हैं फ्रेंड्स, इंडस वाटर ट्रीटी की यूटिलाइजेशन से रिलेटेड अभी इंडिया में क्या स्टेटस चल रहा है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रोकर किया था 1960 में, जिसमें कहा गया था कि जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, ठीक है, रवि, सतलज और बीस, वो इंडिया को एलोकेट की जाएंगी, और जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंदस, झेनम और चेनाब, वो पाकिस्तान को एलोकेट की जाएंगी। बट अगर इंदस, झेनम और चेनाब, अगर इसका पानी पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है, जो कि लगभग बताया जा रहा है 135 MAF यानी मिलियन एकड़ फुट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कोई भी पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसका पानी इंडिया डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसी हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकता है जहाँ पर वो उसका ऐसा कंजम्पशन नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान में फ्लो कम हो जाए। फिर अगर बात आती है वेस्टर्न रिवर्स की, तो वेस्टर्न रिवर्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स को भी इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स क्या कह रहे हैं कि पानी बह रहा है और उसके पानी बहते बहते में आपने कुछ वहां पे लगा दिया। अब देखिए ये जरूर है कि जो वेस्टर्न रिवर्स में जो पानी बह रहा है इंदस, चेलाब, झेलम में, उसमें बड़े बड़े डैम बनाना इस इंदस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडिया को अलाउड नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान अभी कर रहा है, तो वो तो किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को, ट्रीटी को मान ही नहीं रहा है, ठीक है, खुलेआम हमारे जवानों को मार रहा है, तो हम किसी ट्रीटी को ऑनर क्यों करें। बहरहाल अभी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है कि इंदस वाटर वाला पानी रोका जाएगा, कुछ किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, उसमें क्या एग्जैक्टली होने वाला है वो तो फ्यूचर ही बताएगा। फिलहाल के लिए
हमें डैम, बड़े डैम्स बनाना वेस्टर्न रिवर्स पे अलाउड नहीं है, हालांकि एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए, स्मॉल डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए और साथ साथ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के लिए हम वेस्टर्न रिवर्स यानी इंदस, चेनाब और झेलम का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात रावी, बीस और सतलज की, तो रावी, बीस और सतलज में हम एक मिनिमम नेचुरल फ्लो को इंश्योर करना है कि वो पाकिस्तान में जाए, बाकी पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स हैं, ठीक है ना, रावी, बीस, सतलज, उनके पानी को इस्तेमाल करने के लिए हमने बहुत सारे डैम्स बना रखे हैं। जैसे कि सतलज नदी पे हमने भाकरा नंगल डैम बनाया है, बीस नदी पे हमने पोंग और पैंडो डैम बनाया है, और रावी, रावी नदी पे हमने रंजीत सागर डैम, थीन डैम बनाया है। तो उसके साथ साथ बहुत सारे लिंक कैनाल्स भी हमने बनाई, जैसे बीस सतलज लिंक कैनाल बनाई है, माधोपुर बीस लिंक कैनाल बनाई है, इंदिरा गांधी नाहर प्रोजेक्ट बनाया है। तो इन सब प्रोजेक्ट के चलते बीस सतलज लिंक क्या है, मतलब कि बीस और सतलज रिवर को जोड़ रहा है, तो एक कैनाल जब जोड़ती हुई लेके जाएगी तो पानी बीच के रीजन से बहता हुआ जाएगा और बीच में जो भी रीजन है उनको पानी मिल जाएगा अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, पीने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इस तरीके की बहुत सारे लिंक बना रखे हैं जिससे पानी को डाइवर्ट किया गया है इंटरनल एरियाज में ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी ईस्टर्न रिवर्स के 95% पानी को इस्तेमाल कर रखा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 मिलियन एकड़ फुट का पानी अभी भी बिना इस्तेमाल किए हुए रावी नदी का पाकिस्तान में जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि इस 2 MAF वाटर को इस्तेमाल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं और उसके लिए 3 प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। वो 3 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट है कि भाई शाहपुर कंदी प्रोजेक्ट है, इस पर जो कंस्ट्रक्शन है इसको रिज्यूम किया जाएगा अगर ये चल गया। देखिए जब थीन डैम से रावी नदी का पानी निकल के आता है ना, तब भी उसमें कुछ इतना सरप्लस पानी रह जाता है जो इंडिया इस्तेमाल नहीं कर पाता है। रावी नदी में थीन डैम बना हुआ है, थीन डैम में पानी इस्तेमाल होने के बाद भी कुछ एक्सेस सरप्लस पानी बच जाता है जो पाकिस्तान में चला जाता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा है शाहपुर कंदी प्रोजेक्ट। कहा जा रहा है कि 37,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को ये इरीगेट करेगा, 206 MW पावर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसका ऑरिजिनली क्या था कि सितंबर 2016 तक ये बनके तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर पंजाब स्टेट में और J&K स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई और 30 अगस्त 2014 पे इस पे काम बंद हो गया, ठीक है। फिर से एक एग्रीमेंट हुआ है 8 सितंबर 2018 में J&K और पंजाब के बीच में। तो इसमें बहुत सारी जो कॉस्ट लग रही है वो 2,715 करोड़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कुछ सेंट्रल असिस्टेंस दिया गया 485.38 करोड़ का, और अब काम फिर से रिज्यूम हो गया है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस काम को मतलब कर रही है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ J&K के बीच में जो भी इश्यूज थे उसको रिजॉल्व कर दिए गए थे और इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहा है खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर एक और कंस्ट्रक्शन बन रहा है उज मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट का, ठीक है। इसका जो DPR था इनिशियल वो जुलाई 2017 में आया था, टेक्निकल अप्रूवल इसको दे दिया गया था, 5,850 करोड़ की इसकी कॉस्ट थी, नेशनल प्रोजेक्ट माना जा रहा है और इसको सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा 4,892.47 करोड़ का। ये जितने भी फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, केवल मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ऐसे वगैरह लिख रहे हैं तब पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, समझने के पर्सपेक्टिव से इतना समझ लीजिए कि जो 3 प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान में चला जा रहा है उसको इस्तेमाल करने के लिए है। तो इस उज मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट से 781 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर का स्टोरेज भी प्रोड्यूस होगा, इरिगेशन और पावर जनरेशन को मदद मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई डैम बनेगा तो डैम में 2 चीज़ें तो होंगी, एक तो पावर प्रोड्यूस होगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, दूसरा आसपास के इलाकों को पीने के लिए पानी और इरिगेशन के लिए पानी दिया जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि अपने इम्प्लीमेंटेशन के शुरू होने के 6 साल के अंदर ये बन जाएगा। और जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो है सेकेंड रावी 20 लिंक अंडर उच, तो दूसरा रावी 20 लिंक बनाया जा रहा है ताकि जो एक्सेस वाटर है जो थानी डैम से, थीन डैम से निकलने के बाद भी जो बच रहा है वो पाकिस्तान में ना जाए और इंडिया में यूटिलाइज हो जाए। तो उसके लिए सेकेंड रावी 20 लिंक को बनाया जा रहा है, इसको भी नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया है भारत सरकार ने। तो काम भर के इतनी रिलीजेस थी फ्रेंड्स आज की PIB की। और जब भी फ्रेंड्स आप पढ़ते हो ना करंट अफेयर्स, तो PIB को आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से अलग मत समझिए, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो भी छाप रहे हैं ना वो PIB का ही छाप रहे हैं। और एडिटोरियल्स को भी बहुत ध्यान से पढ़िए, मैंने सुना है कि एडिटोरियल्स को लोग आंख बंद करके पढ़ते हैं, कोई भी एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, वो एडिटोरियल आपके काम के नहीं है जिसमें पॉलिटिकल पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रखा है। आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपको ब्यूरोक्रेट की तरह सोचना है, आप उसी की तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट है, आपको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है। कुछ एडिटोरियल क्या करते हैं कि उस सरकार ने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया इतना पैसा अलॉट कर दिया, उस सरकार ने ऐसा कर दिया इतना पैसा अलॉट कर दिया, वो आपके काम का नहीं है। केवल उन एडिटोरियल्स को पकड़िए जिनसे आपको रियल में कुछ नॉलेज मिल रही है, किस सरकार ने किस स्कीम में कितना पैसा खत्म कर दिया, उस सरकार ने कितना टारगेट अचीव कर लिया, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। सरकार के हिसाब से आपको नहीं पढ़ना है, डेवलपमेंट और सोशल
सोशल यू नो सेक्टर की फील्ड में, सोशल प्रोग्रेस की फील्ड में क्या किया ये पढ़ना आपका काम है, डेवलपमेंट कितना हुआ ये पढ़ना आपका काम है, ऑफिशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रिपोर्ट में क्या स्टैट्स आए ये पढ़ना आपका काम है, सरकार ने क्या किया ये पढ़ना आपका काम नहीं है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को मैं कल इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, मोस्ट प्रॉब्ली संडे को मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आएगा, सैटरडे को मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को लेके आऊँगा और अगर कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ आई तो उसे भी कवर कर लूँगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो मैं 31 मार्च तक चला रहा हूँ अपनी करंट अफेयर्स वीडियो का, 31 मार्च तक अगर मुझे इन वीडियोस पर रिस्पांस मिला तो ही मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं अपने इस इनिशिएटिव को बंद कर दूंगा। तो प्लीज़ अगर आप हो सके तो थोड़ी सी मदद करें, इन वीडियोज़ को जितना हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी देखें। अगर 31 मार्च तक 1500 से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को ऑर्गेनिकली देख रहे होंगे तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो मुझे इसे बंद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप समझिए 5 से 6 घंटे मेरे जाते हैं इस चीज़ को बनाने में, तो जब तक मुझे लगेगा नहीं कि हाँ कुछ सा फ़ायदा हो रहा है तब तक इतनी मेहनत करने के इंसेंटिव नहीं मिल पाता। इंसेंटिव मतलब एक मोटिवेशन भी चाहिए होता है इंसान को काम करने के लिए, वो व्यूज़ से ही आता है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है बट लोग आपकी चीज़ को देख रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100-150 लोगों में वो चीज़ मिल नहीं पाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।